हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार जीएस बाली ने नगरोटा बगवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर निंदा व्यक्त की है। जीएस बाली ने कहा कि अभी चुनाव परिणाम आए दो दिन भी नहीं हुए कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले निंदनीय है। चुनाव में हार जीत का सिलसिला लगातार चलता रहता है, लेकिन किसी भी के साथ मारपीट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। युवक को इतने बुरे हाल से पीटा गया है कि वह अस्पताल में भर्ती है, उसकी टांगों में गंभीर चोटें आई हैं। विजय उम्मीदवार को बधाई देते हुए बाली ने कहा कि जिन भी बदमाशों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, उनकी जांच कर जल्द उन्हें पकड़ा जाना चाहिए और सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। है ना, लड़का जो है, ये उसका लड़का है, उपप्रधान का, हमारी से ये फोटो दे देंगे आपको। तो ये जो है, ये जो है, इसकी टांग तोड़ दी है, बाजू में इसकी मरोड़ दी है सारी। तो ये हमारी पंचायत के हमारे प्रधान जी, उनका उपप्रधान जी का बेटा है। ये इलेक्शन के बाद की है, इलेक्शन के बाद की है। लोकतंत्र में किसी को भी वोट किसी को डालने का अधिकार है। याद रहे कि परिणामों के तुरंत बाद रात करीब 10 बजे अंबाड़ी में एक प्रधान के बेटे पर जानलेवा हमला किया गया था। युवक अभी टांडा में भर्ती है और मामले की शिकायत दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अभी तक सभी बदमाश फरार हैं। साथ ही बाली ने चुनाव अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। बाली ने कहा कि आयोग ने आदेश दिए थे कि ईवीएम मशीनों को उन कमरों में रखा जाए जहां इंटरनेट सेवा और वाईफाई मौजूद न हो, लेकिन अधिकारियों ने इसका उल्लंघन किया है और मशीनें वहां रखी जहां पर इंटरनेट और वाईफाई दोनों ही चल रहे थे। अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए बाली ने कहा कि मतगणना केंद्रों में मोबाइल आदि उपकरण ले जाने पर पूर्णतः पाबंदी होने के बावजूद भी बीजेपी के कई एजेंट वहां पर अंदर मोबाइल ले गए। आयोग को अपनी छवि साफ करने के लिए उनका शक दूर करना होगा। इसके अलावा बाली ने साथ ही सरकार को नसीहत भी दी कि आने वाली सरकार के लिए चार बड़े चैलेंज हैं जिसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। 100 वोटों की हमारी हार हुई है और इसको मैं ये भी नहीं कहता कि हमारी पॉलिसी को नकारा है, मगर उसके साथ में जो एक शक था, वो शक और पुख्ता इस बात से होता है कि मैंने ऑब्जर्वर को पहले राउंड के बाद रुकवा दी थी काउंटिंग, क्योंकि हमने ये हमें पता होता है कहाँ से कितनी वोटें आनी है। उस अपेक्षा में जब वोटें नहीं आई तो हमने मैंने देखा इधर उधर, क्योंकि कुछ लोग हमें बता रहे थे और एक कांग्रेस पार्टी ने एजुकेट करने के लिए कैंडिडेट को वो कैंप भी किया था, गुजरात में था, मैं वहां भी किया था कि उस एरिया में जहां मशीनें हो वाईफाई असेसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, उस एरिया में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होना चाहिए। तो मैंने रुकवा दी थी, तो ऑब्जर्वर साहब कहते हैं ये तो ऐसे ही होगा, इलेक्शन कमीशन के आदेश हैं कि इंटरनेट उसी हॉल में आपके वो हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी, और उसी हॉल में जो है वो वाईफाई रखा गया था और इंटरनेट की फैसिलिटी वही थी और एंटीना लगे हुए थे। तो मैंने वहां पे ऑब्जर्वर थे, बाकी लोग थे, एसडीएम था, उसको रुकवा दिया था। काफी देर झगड़ा भी चलता रहा, मगर क्योंकि हम लोगों को तो फोन भी अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी, तो मैंने बाहर आकर के, ये जो न्यूज वाले हैं आप थे उस दिन, मैंने बाहर आकर के इनको कह दिया था कि भाई वाईफाई का कमाल हो रहा है और मशीनों का कमाल हो रहा है। तो इन्होंने एक सिस्टम के तहत, मैंने पहले कहा कि ये है कि मैं अपनी हार को मानता हुआ ये नहीं, मैं आई एम नॉट चैलेंजिंग, मगर ये कि हमारे शक को कैसे पुख्ता करता है। मैंने पहले कहा था कि जब हमें कोई शक है तो इलेक्शन कमीशन का काम बनता है कि उस शक की सुई से बाहर आए, कि इन्होंने जो कॉलेजेस में हमारी वो स्ट्रांग रूम बनाए, वो सारे कॉलेज हिमाचल में वाईफाई है और नगरोटा का हमारा कॉलेज पूरा वाईफाई है, तो वहां पर जब वाईफाई फैसिलिटी थी तो वहां हमारा स्ट्रांग रूम क्यों बनाया गया। हमारी इलेक्शन कमीशन से बेनती है कि जहां जहां वाईफाई की फैसिलिटी में ये काउंटिंग हुई है उनको काउंटरमैन करें इलेक्शंस को और फेयर इलेक्शन कराएं, क्योंकि हमें ये शक है, उस शक को ठीक करने का काम जो है इलेक्शन कमीशन का था। उस शक को किसी शक की सुई ना हो, वो इलेक्शन कमीशन का देते हुए बनता है। और मैं ये चैलेंज से कह सकता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन हमारे जितने बूथ हैं उनमें एक बूथ पे भी अगर अलग से कराएगा तो रिजल्ट भिन्न होंगे।
और मैं विधानसभा के क्षेत्र में भी नहीं जाऊंगा, तो उसके किसी भी एक बूथ पे करा लें, उसके इलेक्शन के रिजल्ट भिन्न होंगे, क्योंकि वाईफाई के अंदर रख करके हमने सारे दुनिया के एक्सपर्ट से बात कर ली, जब ये कनेक्टिविटी हो जाती है तो कुछ भी पॉसिबल है। हैविंग सेड सो, आई एज ए पॉलिटिशियन आई नो नथिंग विल हैपन, बट इट्स माई ड्यूटी टू ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ इलेक्शन कमीशन दैट दिस हैज हैपन एट द लोअर लेवल जहां पे ये काम हुआ है, मगर जिम्मेवारी फिर प्रदेश इलेक्शन कमिश्नर और सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर उनकी थी, उनको सुनिश्चित करना चाहिए था कि जहां जहां वाईफाई की एक्सेसिबिलिटी है, और तो टीवी में रोज हमने उसको कहा अपने ऑब्जर्वर को कि हम टीवी में रोज देख रहे हैं कि भाई वाईफाई नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, तो आपने उसी कमरे में इंटरनेट रखा, उसी में वाईफाई रखा है, उसी में इलेक्शन की काउंटिंग करा रहे हैं, और जहां पे मशीनें रखी हैं स्ट्रॉन्ग रूम जिसको आप कह रहे हो वहां वाईफाई है, छह मशीनों की सीने टूटी निकली या खराब निकली छह मशीनें, तो ये सारी चीजें जो है डिस्टर्बिंग है, लोकतंत्र के लिए परेशानी देने वाली है, चाहे वो मारदाड़ की राजनीति हो, शराब की राजनीति हो, या फिर ये जो वाईफाई की राजनीति हो, उसकी प्रोसीडिंग में बताइए, और अपने जो भी है ये जितना हमने कहा है, हम उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि भारतवर्ष इतना बड़ा महान देश है, इसमें हमने जो मैंने डे वन पे अपनी फेसबुक पे डाला कि क्योंकि हमारे अगेंस्ट चाहे कैसे भी हुआ है, एज आई हैव सेड कि मैं इसके शक की बात कर रहा हूँ कि वाईफाई सिस्टम है, ये है, वो है, वो चीजें नहीं होना चाहिए वहां, मगर उसके बाद जो लोगों ने मैंडेट दी है हम उसका स्वागत करते हैं, हमारा उसको पूरी तरह से वो करते हैं, और ये भी कहते हैं साथ में कि लेट द न्यू गवर्नमेंट कम टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल और लोगों की सेवा करें। पर सबसे बड़ा जो चैलेंज जो मैं सदा कहता रहा हूं, चार चैलेंज हिमाचल प्रदेश में है, एक सबसे बड़ा चैलेंज है कानून व्यवस्था, दूसरा फाइनेंशियल डिफिसिट, तीसरा कानून व्यवस्था फाइनेंशियल डिफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयबिलिटी टू द अनएम्प्लॉयड, और चौथा जो है वो आगे हमें प्रदेश में अपने कैसे डेवलपमेंट करनी है, ताकि जो गांव का और शहर का डिफरेंस है वो कम हो, वो डेवलप प्रॉपर तरीके से प्लान तरीके से की जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नाउ द रिक्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगी तो फिर आगे प्रदेश को आगे ले जाना बड़ी दिक्कत की बात है, और वहां छोटा प्रदेश है, यहाँ अपोजिशन और रूलिंग दोनों को मिलकर के इन तीन चार एरिया में काम करना चाहिए। हैविंग सेड सो, आई एज ए पॉलिटिशियन आई नो नथिंग विल हैपन, बट इट्स माई ड्यूटी टू ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ इलेक्शन कमीशन दैट दिस हैज हैपन एट द लोअर लेवल जहां पे ये काम हुआ है। ये जो पहली बेल्ट है द्रू से लेकर के जो 1 to 10 बूथ एंड 10 to 30 बूथ, ये 1 to 30 बूथ जो है इसके, और ये तो अभी एक दिन हुआ, तो एक दिन में अगर अंत तक ऐसा माहौल बनाया जाए और वो उन व्यक्तियों द्वारा, और इसमें दफे कौन से लगे हैं कि 400 नोटिस दें, मगर अभी तक इतने इलेक्शन मैंने भी जीते हैं और हमारे एमपीओं के इलेक्शन सदा ही जीते रहे, एक इलेक्शन को छोड़ करके तो दसियों इलेक्शन हो गए, कभी रोला रप्पा हुआ नहीं,